राज्यपाल मनोनीत किया। मैं सदन की तरफ से, अपनी तरफ से और राजस्थान की पूर्ण सभी जनता की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय कटारिया जी अपनी संवैधानिक मर्यादा को उसी गौरवपूर्ण परंपराओं से निर्वहन करेंगे जैसा एक जनप्रतिनिधि के रूप में अभी तक निर्वहन करते रहे। माननीय कटारिया जी का स्वागत हम जब गवर्नर सब वहाँ ज्वाइन करके आ जाएंगे तब सदन में हम इनका स्वागत करेंगे, पर मैं अपने आप को गौरवान्वित इसलिए अनुभव करता हूँ कि शायद मैं बिरला ही विधानसभा का अध्यक्ष हूँगा। जब विधानसभा चल रही हो और विधानसभा के सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता को राज्यपाल मनोनीत करने का अवसर मिला और उनका स्वागत करने का मुझे अवसर मिला, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। और विशेष तौर पर इसीलिए कि मुझे राजेंद्र जी ने कहा कि आपको ये भी कहना है कि कटारिया जी और हम एक ही महाविद्यालय में पढ़े और कटारिया जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव देलवाड़ा से हैं जहाँ हमारे पिताजी अध्यापक के रूप में उन्होंने वहाँ पर अपना जीवन प्रारंभ किया। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये अवसर मुझे मिला, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करते हैं कि हम सब सदन में इसी तरह से अपने सदस्यों को गौरवान्वित होकर हम सबको आप दोबारा यहाँ पर एक राज्यपाल के रूप में स्वागत करने का अवसर देंगे। पढ़ने में दोनों में से होशियार, वो जब राज्यपाल महोदय आएंगे तब मैं जवाब दूंगा। मान्य प्रश्न का अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्नकाल के अंदर समय लेना तो उचित नहीं है, पर आपने और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मेरी इस नियुक्ति पर जो बधाई दी, मैं अपनी ओर से सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ और आप सबको राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उनमें रहते हुए मैं अपने काम को अंजाम देने का प्रयास करूँगा और आप सबका सम्मान बना रहे।